नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका हमारे YouTube चैनल यूपी वाले राजेश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि एथर ने अपना नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसका सभी को काफी दिनों से इंतजार था। जी हां, एथर रिस्टा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें तीन वेरिएंट आता है। डिजाइन वाइज तो ये सब लगभग सेम ही आते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसमें मिलने वाले फीचर, रेंज, प्राइस, बैटरी, मोटर पावर जैसे सभी के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सभी स्कूटरों को टक्कर दे रहा है। जैसा कि लुक वाइज बात करते हैं तो इसका लुक आप देख रहे हैं। इसका सीट जो है वो 800 mm की सीट लगाई गई है जिस पर दो लोग आराम से बैठ कर कहीं भी आ और जा सकते हैं। और यहाँ पर इसका एथर का लोगो यानी एथर लिखा गया है। इसके नीचे देख सकते हैं आप LED लाइट और टर्न इंडिकेटर दिया गया है। सबसे पहले इसमें तीन वेरियंट में मिलने वाले कलर के बारे में बात करते हैं तो एथर रिस्टा S जो है इसमें आपको तीन कलर मिलेगा, व्हाइट, ग्रे और ब्लू। वहीं एथर रिस्टा Z जो है उसमें आपको सात कलर मिल जाएगा, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, इन सभी को मिलाकर टोटल सात कलर इसमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और है इसमें कि जो ये है बैटरी जो इसमें लगाई गई है 2.9 किलोवाट का लगाया गया है रिस्टा Z में। और रिस्टा Z में ही दो तरह की बैटरियां हैं, रिस्टा Z में ही 3.7 किलोवाट की भी बैटरी लगाई गई है। अब इसके बैटरी पर इसकी कीमत और चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है। तो जो आपका रिस्का जो 2.9 किलोवाट वाली बैटरी का है इसका चार्जिंग टाइम लगेगा आपका 6 घंटे 40 मिनट, और जो 3.7 किलोवाट का है उसमें 4 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। दोनों में लिथियम आयन बैटरी है और यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी प्राइस इसी पर डिपेंड करेगी कि आगे जो कि आपको चल के मैं बताऊंगा। और ये इसका बैक साइड का लुक है जो कि पीछे से आगे से मिलता जुलता है। LED लाइट और इंडिकेटर यहाँ पे लगाया गया है। टायर की बात करें तो इसमें आपको MRF कंपनी का टायर इस्तेमाल किया गया है और व्हील जो है वो 12 इंच का अलॉय व्हील है। और इस तरफ देख सकते हैं वो अंदर जो दिख रहा है इसमें आपको वेल्ट ड्राइव लगाया गया है जो कि इसे और बेहतर बना देता है। यानी VLDC का मोटर नहीं यूज किया गया है, इसमें वेल्ट ड्राइव मोटर का यूज किया गया है। जैसा कि कंपनी आपको बताती है कि ये फैमिली स्कूटर है, इसी वजह से इसका स्टोरेज आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही 34 लीटर का स्टोरेज बनाया गया है जिसमें आप अपने सभी सामान, ब्रश, कोलगेट, नहाने का कपड़ा धोने का साबुन से लेकर आप हेलमेट तक का रख सकते हैं और पापा के परियों के लिए मेकअप का सामान भाई साहब जितना रखना चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर, तो इसमें आपको यही नहीं फूड स्पेस भी मिल जाएगा जो कि आगे दमदार दिया गया है। इसमें आप जरूरत का सामान रखकर चल सकते हैं। राइड मोड की बात करें तो इसमें आपको इको, स्पोर्ट्स और रिवर्स मोड भी देखने को मिलेगा। इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले है लेकिन ये टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है। ब्रेक की बात करें तो डिस्क ब्रेक मिल जाएगा आपको, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन, गूगल मैप, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, बैटरी डाउन होने पर अलार्म जैसे फीचर इसमें दिए गए हैं। एक बात और, इसको चुराने अगर कोई कोशिश करता है तो इसमें अलार्म अलग से दिया गया है, साथ ही साथ ये आपके फोन पर एक मैसेज भी भेज देगा। एक चीज और, इसमें जो हेलमेट दिया गया है यानी देता है कंपनी, अगर आप अलग से लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो हेलो कंपनी का हेलमेट है। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, साथ ही साथ बाहर की आवाज भी सुनाई देगी म्यूजिक के साथ साथ। यानी कि आप गाड़ी चलाते समय दो लोग म्यूजिक को कनेक्ट करके और म्यूजिक शेयरिंग से आप गाना सुनते हुए इस गाड़ी को चला सकते हैं और मनोरंजन ले सकते हैं। इसमें सेंसर दिया गया है जिसके जरिए ये डिग्गी में रखने पर ऑटोमेटिकली जो है ये हेलमेट चार्ज होता रहता है। इस हेलमेट की प्राइस अलग से दिया गया है जो कि 14,999 इस समय निर्धारित किया गया। हो सकता है बाद में चेंज हो जाए या कुछ कम हो जाए। अब इस गाड़ी की रेंज के बारे में बात करें तो रेंज जो दिया गया है वो रिजिस्टा 2.9 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसका रेंज 123 किलोमीटर का है। वहीं 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी वाले का रेंज 160 किलोमीटर है। और टॉप स्पीड दोनों तीनों की लगभग सेम ही है, 80 किलोमीटर का टॉप स्पीड है। बैटरी जो है इसमें कंपनी आपको 5 साल की वारंटी भी देती है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो 1,09,999 रुपए एक्स शोरूम, ये किसका है, रिजिस्टा S का। और 2.9 किलोवाट आवर बैटरी वाले का 1,14,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस। वहीं 3.7 किलोवाट आवर वाली बैटरी का 1,45,000 रुपए एक्स शोरूम है। भाई वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में और साथ ही साथ खर्चे भी लगे हैं बहुत से जगह आने जाने का, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा।